चकाचौंध से भरे मनोरंजन जगत में हर दिन कोई न कोई हलचल होती रहती है। रोजाना सितारों से जुड़ी कई नई अपडेट सामने आती है। आज एक और जहां शाहरुख खान की फिल्म पठान की शूटिंग रुकने की खबर सामने आई, तो वहीं सपना चौधरी से जुड़ी एक बड़ी खबर सुनने को मिली। तो आइए बताते हैं आपको दिन भर की 10 बड़ी खबरों के बारे में। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशन प्रकाश झा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर हो रहे बहिष्कार पर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद आमिर की लगान और दंगल का हवाला देते हुए यह बताने की कोशिश की क्या सच में बायकॉट ट्रेंड फिल्म को प्रभावित कर सकते हैं या नहीं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुडबाय का फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार को फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें दो पीढ़ियों के विचारों के बीच टकराव को बखूबी दिखाया गया है। यह एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें आपको कॉमेडी, इमोशन, प्यार और नोकझोंक का भरपूर मसाला देखने को मिलेगा। सपना चौधरी लखनऊ पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई महीनों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हरियाणी सिंगर और डांसर आज कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। बता दें कि कोर्ट ने सपना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है। दरअसल लखनऊ के आशियाना थाने में डांसर क्वीन समेत कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। वहीं साल की शुरुआत से ही बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की फिल्मों का बुरा हाल है। आमिर खान से लेकर रणबीर कपूर और अक्षय कुमार तक सभी सितारों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई है। वहीं सोशल मीडिया पर चल रहे बायकॉट ट्रेंड को भी इसकी वजह माना जा रहा है। ऐसे में इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग फिल्मों के असफल होने पर अपनी राय दे चुके हैं। वहीं अब फिल्म निर्माता राकेश रोशन ने भी फिल्मों के असफल होने पर बात की है। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा और अली फजल की जोड़ी फैंस को बेहद पसंद है। काफी लंबे रिलेशनशिप के बाद अब जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। फैंस भी दोनों की शादी को लेकर बेहद उत्साहित है और शादी से जुड़ी हर अपडेट पर नजर रख रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस महीने के आखिर में दोनों सितारे विवाह बंधन में बंधने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इनकी शादी का फंक्शन 5 दिनों तक चलेगा। टेलीविजन का मशहूर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। इस हफ्ते से शुरू होने वाले इस शो में जहां कुछ पुराने चेहरे फिर नजर आने वाले हैं, तो वहीं कुछ नए चेहरे भी दर्शकों को हंसाते नजर आएंगे। हाल ही में शो शुरू होने की जानकारी सामने आते ही कृष्णा अभिषेक के इसे छोड़ने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया था। इसी बीच अब एक कलाकार से इस शो से अलग होने की जानकारी सामने आई है। पाकिस्तान के सुपरस्टार फवाद खान बहुत जल्द पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ नजर आने वाले हैं। फवाद खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आने वाली फिल्म मनी बैंक गारंटी यानी MBG का एक पोस्टर साझा किया है। इस फिल्म का निर्देशन फैसल कुरैशी कर रहे हैं। फवाद ने यह भी बताया कि इस फिल्म का आधिकारिक टीजर कब जारी होगा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान दोनों इन दिनों अपनी अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर जारी हुआ था। उस वीडियो को दर्शकों ने खूब पसंद किया। वहीं शाहरुख खान इस समय अपनी आने वाली फिल्म जवान की शूटिंग में बिजी है। तो वही खबर आ रही है कि टाइगर 3 में शाहरुख और सलमान को लेकर नया अपडेट सामने आया है। कंगना रनौत अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती है। वह कभी अपनी बेबाकी बयानी को लेकर खबरों छाई रहती है, तो कभी किसी विवाद को लेकर। एक बार फिर कंगना चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह है उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म तेजस की रिलीज डेट। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना की यह फिल्म तय तारीख को रिलीज नहीं हो पाएगी। जी हाँ, फिल्म की रिलीज अटक गई है और ऐसी संभावना है कि अब यह फिल्म सीधे अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी।